नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा पर मैं महेश चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ 4 दिसंबर 2019 के करंट अफेयर्स। तो शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किस देश के बीच किया जा रहा है दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में किस देश के नरेश कार्ल गुस्ताफ और महारानी सिल्विया 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे? तो ये स्वीडन के। हाल ही में कौन सा देश हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बन चुका है दोस्तों भारत। भारत और किस देश के बीच विदेशी व रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता 2+2 का आयोजन किया गया? तो ये भारत और जापान के बीच नई दिल्ली में हाल ही में किया गया। हाल ही में जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार किस राज्य ने भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये दोस्तों राज्य राजस्थान। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार एवं तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और झारखंड संयुक्त रूप से। 10 से 22 जनवरी के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों असम, यानी कि असम की राजधानी गुवाहाटी में। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जननायक जनता पार्टी को किस राज्य का राज्य दल का दर्जा दिया गया? तो ये इनको हरियाणा राज्य के राज्य दल का दर्जा दिया गया। हाल ही में किस बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज 7,000 टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया गया? तो ये स्टीव स्मिथ के द्वारा दर्ज किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। इन्होंने मात्र 131 मैचों में ये कारनामा किया है। केग की नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो सोमा राय बर्मन ने कार्यभार संभाला। द लिगेसी ऑफ माइल टेनसी इन पंजाब लॉन्ग रोड टू नॉर्मेलसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक के दोस्तों पारो आनंद। शितुरा शिगकाई किस प्रकार की प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है? तो ये मछली की प्रजाति है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडेल अब्दुल महंदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो यह इराक के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अभी हाल ही में राजनीतिक कारणों से वहां पर इस्तीफा दे दिया। हाल ही में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आरंभ हुआ, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। बात करते हैं अगर कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो कल हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था कि G20 सम्मेलन की मेजबानी अगले वर्ष यानी कि 2020 में किस देश द्वारा की जाएगी? ए भारत, बी जापान, सी सऊदी अरब या डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब को G20 की अध्यक्षता प्रदान की गई है। इससे पहले इसकी अध्यक्षता जापान के पास थी, यानी कि जापान में 2019 का G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसके शहर ओसाका में। नवंबर 2020 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये अरब जगत में आयोजित किया जाने वाला G20 शिखर सम्मेलन पहला होगा, यानी कि इससे पहले अरब कंट्रीज में इस प्रकार का सम्मेलन नहीं हुआ है। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान की ओसाका में किया गया था, जो मैंने आपको अभी बताया है। बात करते हैं अगर G20 की, तो G20 सरकारों व केंद्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल है, जिसमें G20 का गठन, अगर G20 की गठन की बात करूं तो इसका गठन हुआ था 26 सितंबर 1999। वहीं अगर G20 के सदस्य देश की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका व यूरोपीय यूनियन। यानी कि दोस्तों इसमें 19 तो सदस्य देश हैं, वहीं एक यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्री आते हैं, यानी कि इनको मिलाकर 20 कंट्री बनते हैं। बात करते हैं अगर सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब पश्चिम एशिया में स्थित एक इस्लामिक राष्ट्र है। यह एक सुन्नी इस्लामिक देश है। सऊदी अरब की सीमा की बात करें तो उत्तर में जॉर्डन तथा इराक से, उत्तर पूर्व में कुवैत से, पूर्व में कतर, बहरीन तथा संयुक्त अरब अमीरात से, वहीं दक्षिण पूर्व में ओमान तथा दक्षिण यमन से लगती है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा विश्व की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां की मुद्रा है दोस्तों रियाल, और वहां के वर्तमान में शाह सलमान है, वह है शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज।
शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटित हुई थी? ए 1883, बी 1984, सी 1985 या डी 1894। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा 1994। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के इस वर्ष 35 वर्ष हो चुके हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक थी। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लाखों लोग अभी भी इससे प्रभावित है। वैश्विक आप्रवासन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। वही बात करते हैं अगर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वह है शेख हसीना, और वहां के राष्ट्रपति है दोस्तों अब्दुल हमिद। वहां की करेंसी है टका एवं वहां की राजधानी है ढाका। 2 दिसंबर 2019 को मिशन इंद्रधनुष के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई? ए 2.0, बी 3.0, सी 4.0 या डी 5.0। तो दोस्तों इन मिशन इंद्रधनुष के दूसरे संस्करण यानी कि 2.0 की शुरुआत की गई। 8 सघन टीकाकरण मिशन यानी कि इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत हाल ही में 2 दिसंबर 2019 को की गई। केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्टेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीके लगाना है। अगले वर्ष मार्च तक चलने वाले इस चरण का लक्ष्य 27 राज्यों के 272 जिलों का पूर्ण रूप से टीकाकरण करना है। बात करते हैं अगर इस योजना के पहले चरण की, तो इस योजना के पहले चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में की थी। अगले क्वेश्चन के बताने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। अगर दोस्तों आप एमपीपीएससी 2019-20 का प्री दे रहे हैं तो आप ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है मात्र 299 रुपीज में, यानी कि आपको मात्र 299 रुपीज में 25 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ये तो दोस्तों एमपीपीएससी जो 2019-20 की है उसके मद्देनजर डिजाइन की गई है। वहीं आप अगर आप इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एमपी जीके के ऊपर अच्छे से कमांड करना चाहते हैं तो भी दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं psci.com, और इन नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। पृथ्वीराज सिंह को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? ए मॉरिशस, बी मालदीव्स, सी नेपाल या डी भूटान। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा मॉरिशस, यानी कि पृथ्वीराज सिंह को मॉरिशस का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। बात करते हैं अगर मॉरिशस की, तो मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री है दोस्तों प्रवीण जगन्नाथ। वहां की राजधानी है पोर्ट लुइस, और वहां की जो रुपया है दोस्तों मॉरिशस रुपया, मॉरिशाई रुपया। चर्चा में रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन या डी टेनिस। तो दोस्तों इसका संबंध है क्रिकेट से। ये क्यों चर्चा में रही? क्योंकि हाल ही में कर्नाटक ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता। कर्नाटक ने फाइनल में तमिलनाडु को पराजित कर ये ट्रॉफी हासिल की। बात करते हैं अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किया जाता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन रणजी ट्रॉफी टीमों के बीच किया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया। इस प्रतिस्पर्धा को 2006-07 में लॉन्च किया गया था। शुरू में इसका नाम इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप था। गुजरात और बड़ौदा इस प्रतिस्पर्धा को सर्वाधिक दो दो बार जीत चुके हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई? ये श्रीलंका, बी नेपाल,
सी बांग्लादेश या डी सिंगापुर। तो ये दोस्तों शुरुआत हुई है भारत और नेपाल की सेनाओं के मध्य। वही बात करते हैं श्रीलंका के बीच अभी हाल ही में दोस्तों अपन मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। वही बात करते हैं अगर बांग्लादेश के साथ अपन कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, तो वो करते हैं संप्रीति। वही सिंगापुर के साथ समुद्र शक्ति एवं बोल्ड कुरुक्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर? तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है दोस्तों 3 दिसंबर। प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में दिव्यांग जनों का विकास सुनिश्चित करना है। बात करते हैं अगर इसके थीम की, यानी कि 2019 में इसकी थीम क्या है, तो वह है दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण तथा समावेश व समानता सुनिश्चित करना। वहीं 2030 सतत विकास लक्ष्यों में भी यह है, यानी कि UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत लक्ष्य है जो 2030 तक इनको अचीव करना है, उनमें भी इसका स्थान है। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों कि ICC Under-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका या डी इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। वही दोस्तों आपको एक बार और हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। अगर दोस्तों आप MPPSC 2019-20 का प्री दे रहे हैं, तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर अवेल कीजिए। आपको मात्र 299 रुपीज में 25 मॉक टेस्ट अवेल हो जाएंगे। वहीं अगर आप इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और MPGK के ऊपर अच्छे से कमांड करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं PSC@.com, और इन नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे PSC अड्डा के चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए।